Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends and listeners. I am going to explain you diarchy. What is diarchy? Diarchy is a form of government in which power or authority is vested in two rulers or authorities. You may say that they both rule one polity or they both rule one institution. Or you may say that it is a dual government. This system of diarchy was introduced in subcontinent by Britain in 1919 Act at both the levels, at central level as well as at provincial level. But in 1935 Act, this system of diarchy was completely abolished at one level and was retained at another level. Now it is a question for you all कि आपने बताना है कि डायर्की का सिस्टम क्या प्रोविंशियल लेवल पे ख़त्म किया गया था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इसको नेशनल लेवल पर ख़त्म किया गया था. सेकंड नेक्स्ट हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्या इस वक्त भी ये जो डायर्की सिस्टम है ये कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड में कहीं पर इन प्रैक्टिस है या नहीं. अगर हम बात करें एंडोरा की, एंडोरा जो कि यूरोप का एक इंडिपेंडेंट कंट्री है एंड दिस कंट्री इज़ सिचुएटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन. ये जो एंडोरा है एक्चुअली इसके अंदर डायर्की का सिस्टम इन प्रैक्टिस है बिकॉज द दिस कंट्री एंडोरा इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एज वेल एज़ बाय द बिशप ऑफ उर्जेल. उर्जेल क्या है, ये कैटालोनिया एक प्रोविंस है स्पेन का, वहाँ की एक काउंटी है. तो उस काउंटी का जो बिशप है वो एंडोरा का प्रिंस है और इसके अलावा दूसरा प्रिंस कौन है, जो प्रेसिडेंट है फ्रांस का. तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड है, इसके अंदर भी डायर्की सिस्टम इन प्रैक्टिस है. और एक एग्जांपल आप मैंने आपको एंडोरा की दी. इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं. दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, वो भी एक यूरोपियन कंट्री की है जिसका नाम है सैन मरीनो. तो होप सो आपको सिस्टम ऑफ डायर्की की समझ आ चुकी है. और सिस्टम ऑफ डायर्की सब कॉन्टिनेंट में कब शुरू हुआ, 1919 में, और 1935 के एक्ट में भी एक लेवल पर इसको रिटेन किया गया. इसके अलावा जो कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड है उससे भी हमने दो एग्जांपल्स ली हैं जहाँ पे आज भी डायर्की सिस्टम को प्रैक्टिस किया जा रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.